बटरफ्लाई कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी सैमसंग मोबाइल की जो बैटरी है वो सेव हो सकती है, या फिर आप बोल सकते हैं 5 टिप्स टू सेव बैटरी इन सैमसंग गैलेक्सी। मतलब कि मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ, ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो काफी हद तक आपकी बैटरी सेव हो सकती है। तो ये टिप्स क्या है तो आगे मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो उसकी मत करेगा, वीडियो पूरा देखेगा तो ये आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको पांच टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने मोबाइल की बैटरी को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली टिप है वो है क्यूक शेयर के ऊपर। दोस्तों आप देखते होंगे आपके मोबाइल में सैमसंग गैलेक्सी में क्यूक शेयर ऑटोमेटिक ऑन रहता है। तो ये ऑन रहता है तो जाहिर सी बात है बैटरी खाता होगा, बैकग्राउंड में बहुत सारी बैटरी खाता है। अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ऑफ करके रखें, और जब बाद में आप यूज करें जब इसको आप ऑन कर सकते हैं इजिली। ऑफ करने के लिए आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर उसको नो ऑन पे कर देना है। तो अब क्या होगा, ये वर्क नहीं करेगा ना बैकग्राउंड पे ना कुछ पे। और अगर आप यहां पर उसको ऑन करना चाहेंगे वापस, आप उस पे क्लिक करेंगे तो आप उसको एनीवन और कांटेक्ट पे कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहली टिप यही है कि आपको क्यूक शेयर को ऑफ करके रखना है। तो दोस्तों दूसरी टिप ये है कि आपको क्या करना है, आपके पास जितने देखेंगे हम लोग बहुत सारी एप्स को डाउनलोड कर लेते हैं पर एप्स को यूज नहीं करते। बट होता क्या है, वो एप जो कि आपने डाउनलोड कर रखी है वो बैकग्राउंड में डेटा और आपकी बैटरी खाती है, जिससे आपकी बैटरी भी कम हो जाती है, मतलब कि बैटरी कम चलती है। तो ये भी बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि यार हमने बहुत सारी ऐप तो डाउनलोड कर ली पर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। उससे फर्क पड़ता है, आपका डेटा और आपके मोबाइल की बैटरी वहां पर ज्यादा खाती है। तो आपको क्या कर लेना है, उसको फाइंड करके, उन एप्स को फाइंड करके आपको अनइंस्टॉल कर देना है। अगर आपको लगता है यार ये फिर भी काम की है तो आप उसको डीप स्लीप में भी डाल सकते हैं। तो आपको पहले तो देखना हो तो आपको जाना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाने के बाद यहां पर जाना है, यहां पर और जाना है मैनेज एप्स में, यहां जाना है मैनेज में, और आपको यहां पर रिसेंट अपडेट की जगह यहां पर लिस्ट यूज पे देखेंगे। जैसे ही आप लिस्ट यूज पे देखेंगे तो आपको यहां पर बहुत सारे एप्स मिल जाएंगे जो कि आपने सालों पहले या महीनों पहले खोले होंगे, जिनको यूज नहीं करा होगा। तो आपको उनको एक एक को सिलेक्ट करके या तो उसको अनइंस्टॉल कर देना है, या फिर आपको अगर लगता है कि यार नहीं काम के हैं तो आपको करना क्या होगा, यहां जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहां पर डिवाइस बैटरी एंड डिवाइस केयर में। बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाने के बाद यहां जाना है बैटरी में। बैटरी में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर, यहाँ जाना है बैकग्राउंड यूजर्स लिमिट पे, और यहाँ पर जाना है डीप स्लीपिंग ऐप में। यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जो कि आप यूज करते नहीं है बट वो तब भी आपके पास यूज हो रहे हैं। तो आपको एक एक यूज सेलेक्ट कर लेना है और उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। होगा क्या, अब वो बैकग्राउंड में रन नहीं होंगे जब तक आप उसको ओपन नहीं करें, और ताकि उससे आपकी बैटरी काफी हद तक सेफ होगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है, अगर हो सके तो उसको अनइंस्टॉल ही कर दीजिए। अगर आप अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप उसको डीप स्लीपिंग में डाल दीजिए, जिससे वो बैकग्राउंड में रन नहीं होंगे, आपकी मोबाइल की वहां पर बैटरी सेव होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड बताने वाला हूँ वो भी बहुत जरूरी है। होता क्या है दोस्तों, हम यहाँ पर लोकेशन को तो ऑन करके रखते हैं बट लोकेशन भी ऑन होती है तो वो भी बैटरी खाती है, बैटरी खाती है क्योंकि बैकग्राउंड में चलता रहता है। बट ये जो लोकेशन है हमारी बहुत कम एप्स यूज करती है, लाइक मैप्स वाली हो गई या टैक्सी वाली हो गई या फिर फूड डिलीवरी एप्स हो गई। तो आप यहां पर सेट कर सकते हैं कि जब भी आप उस एप्स को खोलें ऑटोमेटिक आपका लोकेशन ऑन हो जाए और उसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। कैसे, तो उसके लिए जाना होगा यहां पर आपको सेटिंग्स पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है एडवांस फीचर पे। एडवांस फीचर पे जाने के बाद आपको जाना है यहां पर बिक्सी रूटीन में। पिक्सवी रूटीन में जाने के बाद आपको जाना है ऐड रूटीन पे। ऐड रूटीन में जाने के बाद जो इफ कंडीशन दिख रही है आपको उस पर प्लस करना है। यहाँ पर उस पर जाना है, इस पर जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको एप्स ओपन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ जाना है, एप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, लाइक मुझे यहाँ पर मैप चाहिए कि जब मैं मैप खोलूँ तो मेरी लोकेशन चालू हो जाए, या फिर कोई भी मेरी ऐसी ऐप जिसको लोकेशन की जरूरत है तो वो चालू हो जाए। लाइक मैं यहाँ पर आ गया हूँ नीचे, नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पर ऐप्स को सिलेक्ट करना है। मेरे पास ऐसी कोई ऐप तो है नहीं लोकेशन जो रहती हो, मैप्स आ गया, जैसे मैंने मैप्स को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर डन कर दिया। और यहाँ देन में क्या आ जाए, लोकेशन ऑन हो जाए और उसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको डन कर देंगे। अब मैं यहाँ से उसको मैप, यहाँ से उसको लोकेशन को बंद कर दिया, लोकेशन को बंद कर दिया मैंने। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं मैप पे जाऊंगा तो मैप्स में जाऊंगा मैं यहाँ पर, तो जैसे ही आप मैप में जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर लोकेशन ऑटो ऑन हो गई है। और अगर मैं यहाँ से उसको बंद कर दूंगा मैप को तो आप देखेंगे वो लोकेशन ऑटो ऑफ भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं ऑटो ऑफ भी हो गई है। तो ये ऐसे काम करता है बिक्सी रूटीन। आप यहाँ पर बहुत सारी ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस ऐप में आपको लगता है लोकेशन की जरूरत है तो वहां पर आप उसको ऑन कर सकते हैं और उसके बाद नीचे ऑफ ऑटोमेटिक
ऑफ हो जाएगा। तो तीसरी टिप तो आपकी ये थी। उसके बाद दोस्तों तो चौथी टिप बताने वाला हूँ, वो भी बहुत काम की। होता क्या है दोस्तों, कभी कभार हमारी बैटरी लेवल 25-30% हो जाता है, बट उसके बाद भी वो हमें यूज करना रहता है, बट फिर भी वो बैटरी ज्यादा जल्दी खाता रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर जो डिस्प्ले का आपने देखा होगा, यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ जाएंगे डिस्प्ले में, यहाँ जाएंगे आप डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाने के बाद आप देखेंगे जो मोशन स्मूथनेस है वो 120 हर्ट्ज गीगाहर्ट्ज पे रहती है। तो इससे बैटरी बहुत खाता है, बैटरी बहुत खाता है। पर हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारे मोबाइल की बैटरी 25% हो, ऑटोमेटिक जो मोशन स्मूथनेस है वो 60 हर्ट्ज पे हो जाए, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी बैटरी भी थोड़ी लॉन्ग लाइफ तक चल जाए। तो उसके लिए भी आपको यहीं वापस जाना होगा एडवांस फीचर में, बिक्सवी रूटीन में। बिक्सवी रूटीन के अंदर जाके आपको करना क्या होगा, अब यहाँ ऐड रूटीन करना होगा। ऐड रूटीन में जाने के बाद यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको जाना है बैटरी लेवल पे। जैसे ही आप बैटरी लेवल पे लिखेंगे, यहाँ मैंने लिख दिया लाइक 30 या 22 लिख दिया बिलो, ठीक है, यहाँ डन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर आ गया 10। अब 10 कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर जाऊँगा डिस्प्ले पे और यहाँ पर जाऊँगा मैं स्मूथनेस पे, मोशन स्मूथनेस पे, हाई से लेके वो स्टैंडर्ड पे हो जाए, मतलब कि अब 60 हर्ट्ज पे हो जाए और नेक्स्ट करूंगा। अब इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही मेरे मोबाइल की बैटरी 22% पे जाएगी, ऑटोमेटिक वो जो मोशन स्मूथनेस है वो 60 पे आ जाएगा। इससे मोबाइल की बैटरी काफ़ी हद तक सेव हो जाएगी। तो आपको इसका भी बिक्सवी रूटीन बना लेना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट टिप बताने वाला हूँ, वो तो सभी को बताते थे बट वो बहुत काम की टिप है, वो है डार्क बैकग्राउंड। मतलब कि आपको अपने मोबाइल में डार्क मोड को यूज़ करना है। आजकल सभी मोबाइल, अधिकतर मोबाइल एंड्रॉयड डिस्प्ले के आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे काफ़ी हद तक बैटरी बचती है, क्योंकि लाइट नहीं जलती है। जितना वाइट बैकग्राउंड रहेगा उतने ज़्यादा बैटरी कंज्यूम रहेगी, और जितना ज़्यादा डार्क रहेगा उतना ज़्यादा आपकी बैटरी वहाँ पर सेव होगी। तो आपको हो सके आपका ज़्यादा हद तक आपको डार्क मोड पर ही यूज़ करना है, तो आज से वहाँ से आपकी बैटरी काफ़ी हद तक सेव होती है। दोस्तों यही मैंने 5 टिप्स बताए थे, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप अपने मोबाइल की बैटरी को सेव कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम में फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।